नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद बहराइच की क्राइम ब्रांच टीम और फकरपुर पुलिस ने मरौचा में 30 जनवरी को मिले अज्ञात शव का खुलासा करते हुए मृतक युवक की पत्नी और उसके दो प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक युवक दरगाह शरीफ क्षेत्र का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की पत्नी नगमा का फकरपुर निवासी नफीस और अफसर के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर नगमा का पति आए दिन उससे नाराज रहता था। आखिरकार नगमा ने अपने पति को रास्ते से हटाने को लेकर नफीस और अफसर का सहारा लिया और तीनों ने मिलकर 29 जनवरी की रात इकबाल की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी थी। शव को छुपाने के इरादे से तीनों ने सुनसान इलाके में फेंक दिया। तीनों के बीच पनपे अवैध प्रेम प्रसंगों ने आखिरकार एक युवक की जान ले ली। बेवफा पत्नी और उसके दो प्रेमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनस तारिक की रिपोर्ट। आज बहराइच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिनांक 30/1/2021 को थाना क्षेत्र फकरपुर में मरौचा से बौड़ी जाने वाले रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की गला काट करके हत्या कर दी गई थी। उस घटना का अनावरण करने में सफलता हाथ लगी है। घटना की सूचना मिलने पर सर्विलांस टीम और जो फील्ड यूनिट की टीम के साथ हम लोगों ने घटनास्थल का विजिट किया था और उसके बाद उस व्यक्ति की फोटो और पंपलेट को सोशल मीडिया पर और शहर के विभिन्न स्थानों पर अनेक स्थानों पर चस्पा कराया गया। उसके बाद उस व्यक्ति की पहचान इकबाल शरफ रईस निवासी कानून गोपुरा के रूप में हुई। उसके बाद उसके परिजनों से पूछताछ करने पर पता चला कि वो ससुराल के लिए जाने के लिए गा के निकला था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से और कॉल डिटेल के माध्यम से हम लोग हसन एक बिरयानी वाला है उस तक पहुंचे और उसकी निशानदेही पर हम लोगों ने घटना में शामिल एक अभियुक्त की पहचान की, जिसका नाम नफीस शराफ इश्तियाक था, जो कि खालिदपुर का रहने वाला था, जो मृतक की ससुराल का था। और उसकी निशानदेही पे बाद में हम लोगों ने एक दूसरे व्यक्ति को पकड़ा, जिसका नाम अफसर शराफ मुर्तजा था, वो भी खालिदपुर का रहने वाला था। नफीस की मृतक की पत्नी से पूर्व से प्रेम संबंध थे और उस नाते वह उसको पाने के लिए उसने इकबाल की हत्या की थी। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन, पर्स, आईडी और पैन कार्ड बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने रिकवर की है। इस प्रकार इस पूरी घटना में नफीस और अफसर अली और साथ ही साथ उसकी पत्नी जो नगमा है, इसके कारण ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पूरे प्रकरण में कार्रवाई।